अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेफ हक्सार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे अच्छी शायरा की पहचान के बारे में। मोहम्मद नासिर भाई ने भी यही सवाल पूछा है। एक्सीलेंट वर्क सर, अच्छी शायरा की पहचान कैसे करें, बताओ प्लीज़। तो दोस्तों, तमाम शायरें अच्छी होती हैं, बस उसे अच्छा बनाना पड़ता है। फिर भी दो तीन के निशानियां हैं, उसे आप ज़रूर चेक करें। जब भी आप शायरा खरीदते हैं, बड़ी पुल वाले शायरी बहुत अच्छी होती है और छुट्टी आंके वाले शायरी बहुत अच्छी होते हैं। अगर आपको बड़ी पुल में छुट्टी आंके वाले शायरे मिले तो आप खुश नसीब है, क्योंकि ये अच्छी नस्ल की होती है और ये अच्छी क्वालिटी की शायरा होती है। और जो बुलंद पाँव वाले हैं, जो कद में थोड़ा बुलंद हो, ये अच्छी क्वालिटी की होती है। तो ये निशानी को आप ज़रूर नोट करें। और जब बड़ी पुल वाले शायरे आपको मिले, अगर नया है, वो डरपोक है, ज़्यादा डरते हैं, तो कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं, आप उसी शायरा को ख़रीद लें। और डरपोक शायरी की जो तरीके है वो है, लेकिन अच्छी शायरा नहीं मिलता। बड़ी पुल वाला शायरा ख़रीद ले, कद में थोड़ा लंबा हो वही शायरा ख़रीद ले आप, यही शायरी अच्छी होती है। बाकी तमाम शायरी अच्छी होती है, लेकिन अच्छी क्वालिटी, अच्छी नस्ल की जो है ये यही है। और जो बड़े बड़े है, साइज़ में बड़े है और थोड़ा लंबा है, यही शायरा अच्छी होती है। और इन तमाम इशू को मद्देनज़र रखते हुए ये खूबियाँ आप ज़रूर नोट करें। पुल बड़े होनी चाहिए, आंखें छोटी होनी चाहिए और लंबा शायरा लंबा होनी चाहिए और कलर में सफ़ेद नमा यानी सफ़ेद जैसी होनी चाहिए। तो ये शायरी बहुत अच्छी होती है, यही शायरा आप ख़रीद लें। तो दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।